जो भी चीज पैसे ले रही है उसको बाजार जरूर लियो। मेरी बीवी ने कहा जब मैं ले रही हूँ तो मुझे बेस्ट वाला लेना है। नॉट इवन वन सिंगल प्रोडक्ट दैट यू गॉट। लुकिंग वेरी गुड टू हर डॉल्स। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मम्मा के हाथ में क्या क्या है? मम्मा के हाथ में मेरे शूज, मेरे जिम के कपड़े, ठीक है, और मेरा अभी नए वाले कपड़े थे जो मैंने ऑफिस से पहन के जाना है। मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। ठीक है, वेरी हैप्पी कि योगा क्लास के लिए जा रहा हूँ। बाय, लव यू। कीरत का वर्क फ्रॉम होम ही है, गप्पे मार लेना। बाय बाय। दोस्तों योगा करने निकल रहे हैं, योगा करेंगे जो कि सच्ची बोल रहा हूँ, किसी को भी ये वाली पेन ना हो जो सियाटिका की पेन हो रही है ना, ये ठीक ही नहीं हो रही। ये अगर दो दिन एक्सरसाइज ना करो, स्ट्रेचेस ना करो, उस मसल पे काम ना करो तो वो दर्द टक 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 अजीब सा शुरू हो जाता है। सो एक्सरसाइज इज द की, स्ट्रेचेस ही करने पड़ेंगे। तो बस वहीं पे ही आज स्ट्रेच क्लास में जा रहा हूँ मैं, वो करेंगे और जिम का देखेंगे। उसके बाद मैंने अब गुड लाइफ फिटनेस ज्वाइन किया है, देखते एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इज इट इवन वर्थ द मनी? इट इज एक्सपेंसिव देन व्हाट आई वाज प्रीवियसली पेइंग। आई यूज्ड टू पे प्रीवियसली प्लान फिटनेस पे अराउंड $28 महीने का, तो $28 पे करता था और 24 आवर्स होता था, सब कुछ था। बट मैं पहले दूसरी ब्रांच में जाता था, तो ऑफिस से ना बहुत ज्यादा अब ट्रैवल इतना बढ़ गया कि क्या करें, तो इसलिए मैंने ऑफिस के पास वाला गुड लाइफ फिटनेस पिक कर लिया ताकि मेरे लिए इजी रहे। मतलब जिम क्लोथ में गया, वहीं पे नहाया, टॉवल टूवल वहां पे मिलते हैं, कपड़े कपड़े तय करके चेंज करके वहीं से ऑफिस। ये प्लान है, देखो प्लान तो बनाया है, अब कितने सक्सेसफुल होते हैं कितने फ्लॉप होते हैं बाद में पता लगेगा। मैं अभी ना ऑस्टिन एवेन्यू पे हूँ, इतनी सुंदर बढ़िया बिल्डिंग्स है, खुली खुली सड़कें हैं, और खुली तो चलो क्या ये सारी सेम ही है, बट शायद ट्रैफिक कम है तो इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यार, ये देखो। मैं शायद इस एरिया में आया ही एक बार और आया हूं, मैं ज्यादा नहीं आया मैं इस एरिया में। सेक्सी लग रहा है ना, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये मैं आया हूँ इस एरिया में रात रूत को एक दो बार ना, की रसद खाना को ना खाने। चिको, आई विल लव बेबी, मेरी बब्बू, मेरा बच्चा, आ जा पाइनएप्पल। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड टू हर डॉल्स। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, मेरा प्रिंस, मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, मेरा गुगू। दोस्तों घर आ गई थी मैं, और मम्मी जी आज पहले ही सुबह सुबह उठ गए हैं बिना चाय के। यस, मेरी मुझे चाय दे देती है। आज मम्मा पहले ही उठ गए क्योंकि मम्मा के लल्ला ने उठा दिया सीखा। दोस्तों लल्ला ने जल्दी जाना था आज। लगा जी, योर ब्रेकफास्ट, वेयर इज योर ब्रेकफास्ट? मैं अभी पहले चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। ओके, ओए खा के देखते हैं। मम्मा जी कहते पहले खा के बता दो, थोड़ा सब्जी का आइडिया हो जाएगा। वेरी टेस्टी। गुड लाइफ फिटनेस सेकंड फ्लोर। आज हम दूसरी जगह पे आए जहाँ पे क्लासेस होती है। ये भी तुम्हारे भाई पूरी मस्ती मार रहा है जिंदगी में, ठीक है। जो ऑफिस के पास वाला था वहाँ पे क्लास नहीं थी योगा वाली, तो मैं मतलब वहां से 5-6 किलोमीटर दूर वाली क्लास में आया हूँ। टीचर करवा दे भाई,
पता नहीं यार हिम्मत ही नहीं रही यार जिम करने की, सच्ची पता क्या हो गया, आलसी आलसी के अंदर से आवाज ही आ रही है जिम जा रहा है। चलो शुरू करते हैं, क्लास होगी बढ़िया खतरनाक क्लास थी। वर्कआउट हो गए दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ कॉस्को का। मुझे लग रहा है कि आज शायद ऑफिस से नहीं वर्क फ्रॉम होम ही होगा। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी हॉट। आजकल कॉस्को में स्कैनर्स लगा दिए, यू हैव टू स्कैन दिस। दोस्तों ऑलरेडी ऑल सेट, इतना सामान भर भी लिया हमने। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोड्यूस में, लेके चलते तेरे को, चला वो स्वीट पोटैटो ले ले, फॉर जिम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे यहाँ पे सुशी भी होती, बड़ी सारी चिकन वाली वेज वाली सुशी नहीं यहाँ पे, तो क्या कॉस्को पे शॉपिंग कर ली है। मेरा बिल आया 215 सिर्फ ग्रोसरीज भी है, और तेरा कितना बिल आया? 90 मेरे को बड़ा दूसरे को सुन के बड़ा महंगा लगा। पर गाइस गाड़ी चेकआउट करो कितनी हॉट है यार ये गाड़ी, नॉट इवन वन सिंगल प्रोडक्ट दैट यू गॉट। क्यों जब तू अभी लेके आई थी तो यही लेके आई थी, कुछ था ही नहीं तब तो एक्स्ट्रा। अच्छा कॉस्को में सामान कम हो गया था, जब खुद के कार्ड से पे करती है तब कॉस्को में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही नहीं। आज मैं ग्रोसरी लेके आया हूँ, कुछ तो एक्स्ट्रा ले आता है, कुछ तो एक्स्ट्रा ले आता है। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली वो शायद दिन आ गया, शायद बोलूंगी अभी भी। शायद क्यों बोलेगी, क्योंकि और मैम पिछली बार भी तो गई थी, था नहीं वहाँ पे। मिल जाएगा, कॉल तो करिए अब हमने। हाँ दोस्तों मैं फाइनली कुछ लेने जा रही हूँ अपने लिए बहुत ही खास, और लेके जा रही हूँ अपनी फैमिली को साथ लेके ही। जल्दी लेट है प्लीज, चश्मे साफ कर लो, ब्लरी दिख रहा है मुझे कुछ। मैं कर देती हूँ गाड़ी में, कर देती हूँ प्लीज। अरे मम्मा भी वॉशरूम में गए हुए, इतनी एक्साइटेड है, जल्दी इतनी एक्साइटेड। ये लड़का मेरे को कह रहा है जब प्रॉमिस कर इसके बाद कोई शॉपिंग नहीं करेगी, मैंने इसको कहा जब तक तू कहेगा तब तक नहीं करूंगी। दोस्तों और कोई शर्त? शर्त फालतू मत बोलियो, अभी इसने मेरे को कसम दी है कि परफ्यूम की सिर्फ 4 की पिस यूज करनी है। इतना गुस्सा आ रहा मेरे को। कीरत कैसे परफ्यूम लगते? चार पांच बहुत होती है कीरत। अच्छा तो कैसा लग रहा है हारमोनियम? कीरत का गाइस बहुत ज्यादा पेंडिंग गिफ्ट था, तो मैंने कीरत को बोला था कि ये जो लास्ट डील पे मैंने तेरे को कहा था कि जब ये होगी तो मैं तेरे को हारमोनियम लेके दूंगा, तो अभी डील हो गई है बट पैसे नहीं आए। कह रही बात डील की हुई थी, पैसों की नहीं हुई थी। मैंने ये कैसा बिजनेसमैन है मम्मी, तो क्या कब से इसने मेरे को वो इसके कारण नहीं रोका, इसने मेरे को कहा मैं देखना चाहता हूँ तू सीरियस है कि नहीं है, तो पहले जा देख कर रही है कि नहीं। पहले तो पहले एक्चुअली क्या था ये चीज थी, हाँ तो पहले तो मैंने कीरत को कहा था कि अगर तू 4 क्लासेस चली जाएगी तो मैं तेरे को ले दूंगा हारमोनियम, ठीक है। 8 क्लासेस हो चुकी लग रहा है 10। बस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज पैसे ले रही है उसको बजा जरूर लियो, बट मुझे तंग नहीं करना, कहीं मोहल्ले में बाहर जाके बजाना है। बाबू तू ही मुझे बोलेगा कुछ सुना दे, बढ़िया बजाएगी तो मैं कहूंगा सारा दिन चला, पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, वो मोहल्ले में रहना है, करना पड़ेगा। मम्मा भी बैठे गए पीछे, पूरी फैमिली आई है, देखो मेरा लल्ला भी आया है। मम्मा को भी थोड़ी टेंशन हो गई है कि ये लड़की का बस थोड़ी देर का शौक है, उसके बाद इसने नहीं करना यूज नहीं करना। ये तो अगर देखो ऐसा हुआ कि 2-3 महीने की रीत बजाना छोड़ दिया, फिर मैं पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने उतर रहा हूँ, इसका कुछ नहीं आएगा। चाहे मेरे को बोले कि अब आई एम ट्राइंग माय हैंड्स ऑन दिस और दैट, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, इसके बाद नहीं आएगा कुछ। मैं नहीं बहकावे में आऊंगा जी। हारमोनियम पता कितना महंगा है दोस्तों? बेसिक वाला नहीं, मैं थोड़ा सा उससे ऊपर वाला लेना चाह रहा हूँ। जल्दी 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 वो बंद करना लगा जाए। गाइस मैं कीरत को एक ही शर्त पे दिलाऊंगा हारमोनियम, जब अगर कीरत कसम खाएगी ये मेरे से लड़ेगी नहीं। मैं नहीं लड़ूंगी, जल्दी आ जाओ। कब तक नहीं लड़ेगी ये बता, जब तक तू कहेगा। हां जब तक तू कहेगा, मैं जिंदगी भर मत लड़। स्टार्ट तू करता है ना, स्टार्ट में बंद करियो, लेट्स गो। मैडम हुई बड़ी अल्ट्रा अल्ट्रा एक्साइटेड, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम्हारे साथ चल रही है या अपन अपने ही आगे भागी जा रही है? भागी जा रही है। Millions of albums. She sang a song for the movie Toy Story. This was Guys. So यहाँ पे हमारे पास 3 options हैं। This is the base, मतलब foldable में
मतलब वैसे ही अपग्रेड. सो ये वैसे ही मतलब नॉर्मल वाले से ऊपर है एंड उसमें फिर अलग अलग वेरिएशन है. ओके दोस्तों, सारे बजाने के बाद कीरत ने कुछ नहीं समझाया मुझे. मेरी बीवी ने कहा जब मैं ले रही हूँ मुझे बेस्ट वाला लेना है, ठीक है. और मुझे ये नहीं समझना कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता होना चाहिए. अब बात आ गई कलर पे. वी हैव 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन. एक और अंदर वो व्हाइट दिख रहा है मुझे, बट मैं ये पर्सनली चाहता हूँ, मैं ये वाला, ये दिस इज, आई हैव सीन इट वेरी लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो आई डोंट वांट टू हैव दिस. मुझे ये भी एक बड़ा, ये बड़ा सुंदर लगा. दिस इज वेरी नाइस, डिफरेंट. मतलब बाकी इट इज योर चॉइस, इट इज योर इंस्ट्रूमेंट, सो यू सी. मैं भी तबला ले लूं. मुझे तब से डैडी आ रहा है. मेरे लिए रखा था ना, मुझे तो सारे गांव का पता. एक महीने के बाद डैडी ने अब सुबह सुबह हर रोज अपनी सास को राग करके आज तो पूरे मोहल्ले को उठा दीजिए ना तू. कह रहे कौन तानसेन आया हमारे बैंड को देखने जरूर आता. हम ओपेरा थिएटर लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं बड़े थोड़े दिन में. ये कैंजू कितना हैवी है? हैवी तो है बट तेरे लिए हैवी है. मतलब दोस्तों मून इतना प्यारा लग रहा है बट इसमें दिख नहीं रहा है फोन में अच्छे से. मम्मा को मैं लेके जा रही हूँ माइकल्स, क्योंकि मम्मी जी को वूल चाहिए. मैंने कहा मम्मा देसी वूल से काम नहीं चलेगा, बढ़िया जगह लेके चलती हूँ आपको. मम्मा ये क्राफ्ट्स की पूरी वो है, एक्सपेंसिव स्टोर बट वेरी गुड क्वालिटी स्टफ. यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं. ये देखो एंडलेस क्रिएटिविटी कर सकते हैं यहाँ पे आप. सी बीड्स वगैरह कुछ भी की चेन बनाना हो. ये कितना सुंदर है पिंक, ये कितना लाइट वेट है. सो मम्मा तो पागल हो गए हैं. चॉकलेट कुशन बनाने के लिए कुछ भी ऐसे सुई तो मिल गई शुक्र है. इतनी महंगी इस नीडल्स में क्या है जो $222 की. दोस्तों मैंने कर ली गाड़ी चार्ज, टाइम हो रहा है 8:46. मम्मा और कीरत पिछले आधे पौने घंटे से माइकल्स के अंदर है. मैं और चिका कब से गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी चार्ज करी अभी गए. मैंने थोड़ा बहुत काम करना था वो भी. चिका चिका रिलैक्स रिलैक्स गुड बॉय गुड बॉय. चिका रिलैक्स 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 रिलैक्स. गाइस ये बहुत प्यारा है सिर्फ हमारे साथ, पता नहीं इसको लोग क्यों नहीं पसंद आते. रिलैक्स रिलैक्स बैड बॉय बैड नो रिलैक्स. इधर देखो रिलैक्स 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 टोटल रिलैक्स टोटल रिलैक्स 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 रिलैक्स. गुड बॉय गुड बॉय. हम यही कर रहे इतने टाइम से. रिलैक्स चिका चिका रिलैक्स टोटल रिलैक्स. लोग हैं अभी बाहर टोटल रिलैक्स. कोई इतना सा भी आया ना हमारे आसपास, इतना सा भी तो पसंद ही नहीं. भाई आप थोड़ा सा पढ़ना इनके चिवाहुआस के बारे में. ये थोड़े से ना गार्ड डॉग्स टाइप है, ठीक है. मतलब है इनका साइज छोटा है बट इनकी जो नेचर है वो अपने मालिक को बचाने की है कि मतलब बस मालिक को बचा लूंगा. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. The future is bright.